नमस्कार रेस्कू समथिंग में आपका स्वागत है। आज हम बना रहे हैं आमरा की चटनी बना रहे हैं। तो आमरा का चटनी जो है काफ़ी अच्छा खाने में लगता है। तो हमने आमरा को धो के कट कर लिए हैं। तो आमरा का तो आप अचार खाए हैं, लेकिन आप ये चटनी खाइए तो ये काफ़ी अच्छा लगता है। इसका अचार का भी हमने वीडियो डाल चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा। मीठा अचार भी हम बना चुके हैं, खट्टा मीठा। तो इसमें क्या क्या सामग्री लगेगा ये देख सकते हैं। लहसुन का कली लिया हमने, 10 से 12 लहसुन की कली लिए हैं। ये हमने सूखा हुआ मिर्ची लिया है, इसे हमने भून लिया है। तो मिर्च आप जो सूखा हुआ ही डाले, भून के डाले, और नमक अपने स्वाद अनुसार। ये हमने जार लिए हैं और इसमें ये सारे चीज़ों को हमें डाल देना है। चाहे आप सिलौटी पे पीस ले या फिर मिक्सर जार में पीसे। इसमें हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं ऐड करना है, बस इतना में यही सब सारे चीज़ डालिए और काफ़ी अच्छा आपको चटनी बन के तैयार होगा। तो नमक आप अपने आवश्यकता अनुसार डालें और इसको हमें क्या करेंगे, पीस लेंगे। अगर इसमें लगेगा पानी तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे, लेकिन इस समय हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही पीसेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो हम पानी ऐड करेंगे। तो ये मेरा चटनी बनके तैयार है, इसे हमने निकाल लिया है। काफ़ी अच्छा खाने में लगता है, इसे पराठा पूरी किसी भी चीज़ के साथ खाइए, काफ़ी अच्छा लगता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे ही होगा, हम जो भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।